कुछ चीज़ें ऐसी हुई मेरे साथ जिसको अपने ऊपर मैं वो इल्ज़ाम दूंगा, मेरी गलतियों की वजह से हुआ जो भी हुआ। जी अभी मैंने गाना गाया था लक्ष्मीकांत पैडाल का, बहुत बहुत मशहूर हुआ वो, मोहब्बत अब तिजारत बन गई है, तिजारत अब मोहब्बत बन गई है। आनंद बख्शी साहब का लिखा हुआ, लक्ष्मीकांत पैडाल। किसी से खेलना फिर छोड़ देना, किसी से खेलना फिर छोड़ देना, खिलौनों की तरह दिल तोड़ देना। हसीनों हसीनों की ये आदत बन गई है। तो ये भी गाना बहुत मशहूर हुआ था। और एक गाना था जिसमें नहीं, थोड़ी ये बात सी, आपने इस सिलसिले में कही थी कि कुछ आपकी गलतियां हुई। हाँ हाँ, वो क्या है? वो ये था कि एक पिक्चर थी नसीब, और उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर मनमोहन देसाई, जो अलग टाइप के आदमी थे, मतलब मूडी टाइप के, तो उनका वो गाना मैंने अमिताभ जी के लिए गाया था। जिंदगी इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्तों की जान लेती है। तो ये गाना हम तीन लोगों ने मिलके गाया था, ने सुमन कल्याणपुर और एक कमलेश अवस्थी है जो मुकेश टाइप में गाते थे, और मैंने अमिताभ जी के लिए गाना गाया था। तो उन दिनों मैं एक रकम लेता था जिस 5,000 की, एक गाने की। और तब रफ़ी साहब क्या लेते रहे होंगे जब रफ़ी अपने साहब ने आखिरी कभी पैसे की आखिरी डिमांड नहीं की। वो उनके बारे में ये कहा जाता है कि को जो भी दे दो, कभी डिमांड नहीं करते थे पैसे की। उनको भी शायद इतने ही मिलते होंगे, 5-7 मिलते होंगे ज़्यादा, लेकिन लता जी ज़्यादा लेती थी, 10,000 12,000 उन दिनों भी। तो उनके असिस्टेंट ने आके मुझसे पूछा कितना आपको देना है, तो मैंने 6,000 की डिमांड की। तो उनको बहुत बुरा लगा कि अनवर अगर 5,000 औरों से ले रहा है तो मुझसे 6,000 क्यों, आज के बाद मैं उसको गवाऊंगा नहीं। फिर इन्होंने क्या किया, मनमोहन देसाई साहब ने, क्योंकि वो गुजराती थे और शब्बीर कुमार भी गुजराती हैं, तो किसी ने बताया भाई शब्बीर कुमार है जो रफ़ी डुप्लीकेट है, बिल्कुल रफ़ी के गाने गाते हैं, रफ़ी साहब के। उनको बुलाया मनमोहन देसाई ने, लक्ष्मीकांत से मिलाया, गाने सुने, फिर कुली में उनको मौका दिया। तो वहाँ से मैं कटना शुरू हुआ, तो लोगों को लगा एक और रफ़ी आ गया है, समझे आप। तो एक और गलती ये हुई कि राज कपूर साहब की फिल्म में मैंने एक गाना गाया, तो वहाँ मैंने भी डिमांड किया पैसों की। वो क्या गाना था? वो ये प्यार था या कुछ और था, उसके बोल ऐसे गा के सुनाता हूँ। सारी खुशियाँ तुझ पे वार के चल, मैं तो सब कुछ हार के, यही इश्क का दस्तूर था, न तुझे पता न मुझे पता ये प्यार था या कुछ और था। तो दरअसल क्या, वो प्रेम रोग एक पिक्चर थी जिसमें सब सब गाने मैं गा रहा था,
मैंने उन गानों की रिहर्सल भी की थी, लेकिन चूँकि मैंने पैसों की डिमांड की तो उनका स्टाफ बिगड़ गया। उनके स्टाफ ने शिकायत की ऋषि कपूर से। यानी पैसों की जो डिमांड आपकी उधर मनमोहन देसाई से थी, वो खबर वहाँ पहुँची? ऐसा नहीं, नहीं नहीं, राज कपूर साहब से भी डिमांड हुई पैसों की। हाँ, यानी कि एक गलती आप वहाँ कर चुके थे और फिर आपने दोबारा वो गलती दोबारा वो हुआ। हाँ, वो ऐसा क्यों किया होगा बीच में, ये भी तो बता दीजिए आप। बस वो मैंने बोला ना, पूरा जो इल्ज़ाम मैं अपने ऊपर लेता हूँ। अच्छा, हाँ, फिर क्या हुआ? ऋषि गलती हो गई, ऋषि कपूर के पास से बात पहुँची तो वो बिगड़ गए। तो मेरे बाप से पैसे की डिमांड, मतलब राज कपूर के साथ काम करना एक ऑनर की बात है, और मैं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं थी, पॉलिटिक्स जानता नहीं था, सीधा था, तो ये गलती हुई तो बिगड़ गए ऋषि कपूर। बोले मुझे इसकी आवाज़ नहीं चाहिए, जितने भी गाने हैं वो किसी और से ली जाए। फिर किससे लिए गए? वो सुरेश वाडकर से ले लिए, जबकि वो रिहर्सल आप खुद कर चुके थे। हाँ, मैं रिहर्सल कर चुका था। तो ऐसा हुआ है, ज़रा सा पॉलिटिक्स सीख जाता, बिजनेस कैसे होता है। जैसे रफ़ी साहब थे, महेंद्र कपूर थे, इनको जो भी दे दो ले लेते थे। अगर मैं मनमोहन देसाई से ये कहता कि आपको जो देना वो दे दीजिए, तो मुझे कभी छोड़ता ही नहीं वो। उसको लगा ये आदमी बहुत इसका दिमाग ख़राब है, तब ये कहानी बनी है। तो कैरेक्टर्स तो ऐसे ही आते हैं ना, किसी न किसी की गलती से। खैर छोड़िए, अब तो गुजरी बातों पर धूल डालने का वक्त है। ये बताइए कि जब आप नज़र डालते हैं अपने इस पूरे सफ़र पर, तो ये जो मिले जुले एहसास हैं उन्हें आप कैसे पेश करते हैं? कभी कभी याद आती तो बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन भूलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो यादें जाती नहीं हैं। ऐसा लगता कल की बात है, भूल नहीं पाते हैं।